हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मत बांटो इंसान को। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों जो जगह दी गई है उसमें आपको किन्हीं पांच धर्मों के नाम लिखने हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई। इस तरह से यहाँ पर आपको धर्मों के नाम लिखने हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति से प्रेम करने की सीख देना, और इसका नैतिक मूल्य है कि देश के प्रति प्रेम बनाए रखना और बच्चों में दूरदर्शिता का विकास करना। तो आइए इस पाठ का परिचय देखते हैं। बच्चों, ये एक कविता है और ये कविता श्री विनय महाजन जी द्वारा रचित है, और इस कविता के द्वारा कवि हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि मनुष्यों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है कि मनुष्य को किसी भेदभाव में न पढ़कर एकता की दृष्टि से संसार को देखना चाहिए, और ये प्रकृति भी हमें यही उपदेश देती है। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे भारतवर्ष में अलग अलग धर्मों के में लोग विभाजित हो गए हैं, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख जो अलग अलग पूजा के जगह पर अपने अपने भगवान को पूजते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से इंसानों ने अपने भगवान को बांट लिया, कि कोई उनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तो इस तरह से धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। यानी आपस में प्रेम की भावना से रहो। मत बांटो इंसान को मतलब है कि इंसान एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहें, अलग अलग नहीं हो। जिस तरह से धरती बटी, सागर बटा, और इस तरह से हमें अलग अलग हिस्सों में नहीं रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। अभी राहत तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ये कह रहे हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, कि मतलब हमने एकता से रहने की जो भावना है, जो बात है, वो अभी अभी हमने उसकी शुरुआत की है। अभी तो हमें बहुत दूर तक जाना है, बहुत सारी कोशिशें करनी है, यानी अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है, जो मुकाम हमें पहुंचना है, जिस मुकाम पर। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है, तो इन लाइनों का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग चीजों को दिखाया है कि किस तरह से जो महलों में रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो धनी लोग हैं, उनके घर में किस तरह से रोशनी रहती है, यानी कि किस तरह से संपन्नता रहती है, और हर दीपक मजबूर, मतलब गरीब के घर में एक दीपक के लिए भी वो मजबूर हो जाता है, एक दिया जलाने के लिए भी मजबूर हो जाता है। मतलब अभी भी अमीरी और गरीबी में भेदभाव है। तो ये बोल रहे हैं कि वो समय आने के लिए अभी बहुत टाइम है, जब हम वो मंजिल दूर है, जब हम सब एक समान हो जाएंगे, एक एक भाव से हम सबको देखेंगे। तो अभी तो सिर्फ उसकी शुरुआत हुई है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से हमें समझाया है कि सूरज, मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, यानी कि सूरज जब निकलता है तो सूरज का क्या होता है, सूरज हर जगह प्रकाश फैलाता है जब सूरज निकलता है। तो हर घाटी मैदान को, मतलब जो छुपे हुए हिस्से होते हैं, घर के अंदर के कोने होते हैं, वहां पर सूरज की रोशनी कई जगह पर नहीं पहुंच पाती। तो जिस तरह से मतलब धरती बांट ली लोगों ने, सागर बांटा, तो इंसान को मिलजुल कर रहने की यहाँ प्रेरणा दी गई है सूरज के माध्यम से। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीला वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि ये जो धरती है, ये जो हमारी धरती माता है, पूरी पृथ्वी है, ये अभी भी हरी भरी है, मतलब इस पर खूब हरियाली है, और ऊपर खुला नीला आसमान है, पर लेकिन ये संसार इस अगर हम प्रेम से ना रहे, प्यार के बिना, इतना सूना हो जाएगा, इतना बेजान हो जाएगा कि हरी भरी धरती और ये जो नीला आसमान है, ये सब कुछ होते हुए भी ये जलते हुए रेगिस्तान के समान बंजर महसूस होगा। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अभी प्यार का जल देना है, मतलब कि हर प्यासी चट्टान को, कि जो अभी भी जो मन मुटाव है, जो पत्थर जैसे अडिग लोग हैं, उनके विचारों को हमें अपने प्यार के जल से
सींचना है, यानी उनमें प्रेम की भावना को जगाना है और इंसानों को सबको प्रेम पूर्वक रहना है। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं जब हम सब लोग सुबह उठे तो सबके घर में खुशहाली हो, रोशनी हो, और किसी भी घर में कोई भी दुख ना हो, हर तरफ खुशी की बहार खिलखिलाई हुई हो, ऐसे कवि की यहाँ पर कामना है। रौंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी अच्छा सागर बांटा मत बांटो इंसान को। तो यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं अगर हम सब प्रेम पूर्वक रहेंगे, सब धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तो फिर हमारे कोई भी मौसम, सर्दी गर्मी बरसात, कोई भी हमारे इस प्यार को खत्म नहीं कर पाएगा और हम हमारी खुशहाली को नहीं छीन पाएगा। तो बच्चों इस कविता से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि हमें अपने देश के प्रति एकता का भाव रखना चाहिए और कभी किसी से बैर नहीं लेना चाहिए। थैंक यू।